ये है डबलिन सिटी हॉल की बिल्डिंग। डबलिन सिटी काउंसिल की शरा खुल गया। डबलिन बस के मजे। नाज़रीन इस तरफ है क्राइस्टचर्च का फ्रंट, आपको दिखाते हैं। खूबसूरत होटल लियोनार्डो होटल, अब देखिए क्राइस्टचर्च। बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं नाज़रीन अक्सर शाम को जब आप निकलते हैं डबलिन सिटी की वॉक में, इस तरह के कुछ खूबसूरत मनाजर जिसमें आपको हल्की फुल्की बारिश भी मिल जाती है अक्सर। डबलिन बस अपने सफ़र पर रवाना, वहाँ एक छोटा सा एक और पार्क कॉर्न मार्ट की रश में से निकलते हुए जा रहे हैं। क्राइस्टचर्च नाज़रीन हमारा सफ़र रवा दवा एक मरतबा फिर। जी तो नाज़रीन बैठना तो हमें इस बस में था लेकिन बस लेट है, पैदल ही चलते हैं। इस बस के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, अक्सर ये बहुत लेट हो जाती है, तो इसलिए मैंने फैसला किया कि पैदल ही चलते हैं हमारी मंजिल की तरफ। मुमकिन है रास्ते में आपको कुछ और मनाजर खूबसूरत देखने को मिले, तो चलते रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन बस में आने में कुछ टाइम था लेकिन मम्मी रिस्क नहीं लेना चाह रहे क्योंकि आगे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तो इस वक्त पहुँचने वाली कहानी करनी है और पैदल सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, तो इस वक्त
किसी किस्म का रिस्क लिए बगैर मैंने चलना स्टार्ट कर दिया हुआ है। आए चलें आप भी हमारे साथ और देखें रास्ते में क्या कुछ देखने का मिलता है। जी तो नाज़रीन, एक मरतबा फिर हमारे रास्ते में एक और ख़ूबसूरत पार्क आ चुकी है। इसका नाम है सेंट पैट्रिक्स पार्क। अभी इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो आपको अंदर से भी दिखाएंगे, अंदर बैठने की जगह और क्या कुछ देखने को मिलता है, किस तरह का माहौल। तो ये इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे, आज ज़रा टाइम शॉर्ट है। तो अभी हम निकलते हैं वापस अपनी मंजिल की तरफ। हाँ, बहुत ही खूबसूरत मौसम चल रहा है इसका, जैसा कि आप देख ही सकते होंगे। ये अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, लोगों की रिहाइश है। और यहाँ पीछे से हम चलते हुए आ रहे हैं, चले बगैर किसी देरी के चलते जाएं। ये नाज़रीन सेंट पैट्रिक्स चर्च। यहाँ पे आयरलैंड में आपको चर्चेस और कैथीड्रल देखने को बहुत मिलेंगे और पब्स वगैरह भी ऑफ कोर्स। ये आपको आगे से दिखाते हैं। एक और चौराहे पे पहुंच चुके हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त सड़क क्रॉस करना पड़ गया, तो आने जाने वाली ट्रैफिक इतनी नजर नहीं रही आ रही, तो इसलिए मैं बगैर बटन दबाए ही निकल जाऊंगा। ऐसे बेस्ट है कि ऐसे आप नहीं करें, डेंजर जॉब। प्लेन का भी गवार कर भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, हड्डी कोई नहीं सख्ती। चलते जाएं चलते जाएं, सफ़र अभी काफ़ी है। बादल क्या टाइट नज़ारा पेश कर रहे हैं नाज़रीन, जरा देखिए। क्या कहना, ये हमने सारी रोड चल के जानी है एंड तक। चलिए ये एक और रिहायशी बिल्डिंग है और उसके नीचे कुछ दुकानें वगैरह बनी हुई हैं। ज़्यादातर ये रिहायशी इलाके ही है, रिहायशी इलाकों में आमतौर पर दुकानें वगैरह नहीं होती, सिर्फ डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं आपके छोटे छोटे स्टोर वो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज़ बड़ी दुकानों के लिए अलग से शॉपिंग सेंटर्स बने हुए होते हैं, तो इसीलिए आपको कोई रश वश खप कोई ऐसा सीट नज़र नहीं आ रहा। बहुत कम लोगों की तादाद है इस वक्त। अलबत्त आप किसी शॉपिंग सेंटर में चले जाएं तो बस एक अलग ही वहाँ पे रश का माहौल चल रहा होता है। नाज़रीन चढ़ाई चढ़ रहा हूँ इसलिए माइंड नहीं कीजिएगा, और तेज़ चल भी रहा हूँ इसलिए सांसें थोड़ी उखड़ी उखड़ी आपको लगेंगी। इसके भी अभी जाम जारी है। चलती जाए, हलाल खानों का एक और छोटा सा मरकज चिकन हट शायद आपको नजर आ रहा है, ये लाल रंग की दुकान।
पे ज़्यादातर कबाब वगैरह, रोल्स, चिकन रोल वगैरह, चिप्स, इस तरह की चीज़ें इनसे मिलती हैं। एक मरतबा फिर आप नाज़े इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, रिहायशी इलाके, बिल्कुल साइड में कोई दुकानें वगैरह नज़र नहीं आएंगी आपको, थोड़े थोड़े फासले के बाद छोटी छोटी दुकानें, डेली यूज़ की चीज़ें भी। गलियों में सुकून माहौल चेक करें, मंजिल के करीब है हम नाज़रीन। यहाँ तक जाना है हमने, चलती है, चलिए हमारे साथ। नाज़रीन आपको एक बादल दिखाना चाह रहा हूँ, कितने खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। हमारा सफ़र बिल्कुल अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुका हुआ है नाज़रीन। जिस शॉप में मैंने जाना है वो करीब ही है, हम करेंगे यहाँ से क्रॉस, इसका बटन दबा लेते हैं, गाड़ी कोई नहीं आ रही, निकलते हैं नाज़रीन, गाड़ी कोई नहीं आ रही। इधर से भी निकल जाते हैं, सारा ही बंद हो गया इनका। जी तो नाज़रीन, शॉप की खरीदारी तो पूरी हो गई, अब वापसी घर की तरफ निकल रहा हूँ, लेकिन रास्ते में आपको दिखाता हुआ चलूँ थोड़ा सा ये इलाका भी, तो देखिए मेरे साथ। यहाँ सामने से हमने देसी हलाल शॉपिंग की है, और ये थोड़ी सी और देसी शॉप्स, और इसके अलावा फ़ोन वगैरह की, सामने क्लाउड 9, यहाँ पे हुक्का पीजिए और 9वें क्लाउड में पहुँच जाइए, इनका कहना है, हमारा तो नहीं है। चलें, यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर तंदूरी होती थी, तंदूरी शॉप, पता नहीं अब ख़त्म हो गई है, ये बारबेक्यू टुनाइट ने जगह ले ली है उसकी, ये एक अब बड़ा हलाल रेस्टोरेंट बन गया है, पाकिस्तानी इंडियन। नाज़रीन सी रोड पे आपको एक और शॉर्मा टाइप शॉप मिलेगी, ये पैशन फॉर फूड, इनका टेस्ट बहुत आला होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए जब भी आप आए। इनकी अब मज़ीद ब्रांचेस भी खुल गई हैं डबलिन के अंदर, वहाँ पे आप जाके वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखें रेंट वाली साइकिलें लगी हुई हैं, यहाँ पे आपको ऐप पे अपना अकाउंट बनाना पड़ता है और साइकिल निकालो और निकल जाओ। एक्सीडेंट होते होते बचा। नाज़रीन हमारा सफ़र तो रोज़ इसी तरह चलता रहेगा, और रोज़ हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे, शॉर्ट वीलॉग्स और प्रॉपर लंबी वीलॉग्स के ज़रिए आपको बताते रहेंगे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। हम लंबा वीलॉग्स भी बनाया करेंगे, लेकिन जो डेली की रूटीन है जिसके लिए हम बाहर निकलते हैं, उस तरह के अपडेट्स के लिए आपको ऐसी शॉर्ट फीड्स मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और आगे भी जाकर दिखाते हैं आपको मज़ीद डबलिन के पुरफ़ा मकामात और इंटरेस्टिंग थिंग्स टू इन डबलिन।
मेल्ड्रॉन होटल। नाजरीन आप सिटी सेंटर आए डबल तो प्रॉबेबली एक अच्छा होटल रहने के लिए, सिटी के बिल्कुल सेंटर के पास ही है, तकरीबन 200-300 मीटर की मुसाफत पे, वॉकिंग डिस्टेंस। अच्छा आप खूबसूरत खुला होटल, कीमतें भी इनकी मुनासिब होती हैं, खूबसूरत बिल्डिंग और खुली वसी रोड और साथ ही बिल्कुल ही कुदरती खूबसूरत पार्क्स बनाई हुई हैं उन्होंने, और काफ़ी सारी देखने की मशहूर जगह भी मौजूद है बिल्कुल करीबी इस होटल के पास से। ये एक मतलब आखिर क्राइस्ट चर्च होटल, सॉरी क्राइस्ट चर्च हमें नज़र आ रहा है, देखिए टांगे वाला है मगदा। स्टॉप नाजरीन, बसों के टाइम्स लिखे हुए हैं कि कितने बजे आ रही है, पुलिस वाले अल्लाह खैर। नाज़रीन पुलिस वाले जहाँ भी आपको नज़र आए तो खैर की दुआ ज़रूर मांगिया कीजिए, इनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और दुश्मनी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नाज़रीन जस्ट एक मैसेज देना था, खूबसूरत मैसेज। नाज़रीन मैंने सोचा क्यों ना वापसी पे आपको पार्क से ही गुजार के लेके जाते चले, तो देखते हैं, ज़रा डेंजर काम है, क्रॉसिंग यहाँ पे है कोई नहीं, थोड़ी नज़दीक तो देखते हैं सड़क क्रॉस करते हैं भाग के। नहीं मंगदा नहीं मंगदा खैर, नहीं जंगे वाला खैर मंगदा। नाज़रीन यहाँ से एक अच्छा टाइम है, वहाँ से सारा बंद है दूसरी साइड से, और लीजिए हमने क्रॉस भी कर लिया। पता नहीं क्या सुइयां सी बनी हुई है नाजरीन, क्या पुरसकून माहौल है नाजरीन, क्या कहने। साथ ही चर्च, खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है चर्च की। ठंडी हवा शुरू हो गई है भजन,
देखिए खूबसूरत फूल। नाज़रीन दरमियान से जाते लेकिन उस तरह ज़रा लोगों ने कुत्तों शत्तों का रश लगाया हुआ, और कुत्तों से ना हमारी ज़रा हालत टाइट हो जाती है, चाहे छोटी क्यों ना हो, तो इसलिए मैं तो वहाँ से नहीं जा रहा हूँ। बस आप भी देखें दूर से और इन्जॉय करें। बहुत डेंजर एनिमल है जानवर यहाँ का नाज़रीन, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ते, कुछ भी खा लेते हैं, लकड़ पत्थर रजम। नाज़रीन एक दो फिर कुछ कोई कहीं से भी ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही, तो हमने निकलने का फैसला किया। शाम को टाइम अगर आप वॉक पे निकले तो एक चीज़ जो आपको अक्सर देखने को मिलेगी और जो बहुत खूबसूरत भी लगती है वो है ये बादल। चेक करिए, क्या खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। नाज़रीन बिल्कुल सामने चाचा फाइलिन की पुरानी बिल्डिंग है, ये फिलहाल इसको यूज़ नहीं किया जा रहा, तो ये बंद पड़ी हुई एक बिल्डिंग। लियो बर्डक्स मशहूर यहाँ पे चिप्स और फिश वाले, यहाँ पे बहुत सयाह आते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पास सियाहती मकाम है, तो लोग भूखे तड़पते यहीं भी आते हैं, उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। फिर में फेंकते हैं बोतल कब से उठा के घूम रहे हैं, यहाँ पे आके अच्छे शरी होने का सबूत दे रहे हैं, वैसे है नहीं है, गंद फैलाते हैं यहाँ जाते हैं। ले नाज़रीन जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी वहीं पे वापस आ रहे हैं, वापसी घर की तरफ। आज की वॉकिंग और शॉपिंग हुई मुकम्मल, दोबारा एक मरतबा फिर से सामने डब्ल्यू सी डी कौंसिल की बिल्डिंग, और ये हॉस्टल की बिल्डिंग है रेड कलर की, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सस्ते में रूम्स मिल जाते हैं आपको। बंक बेड्स एक दूसरे के ऊपर जो बेड लगे होते हैं वैसे रूम्स, सस्ते में काम हो जाता है आपका बहुत ज़्यादा अगर आप सिंगल हैं। सिटी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं हम,
वॉक हमारी चल रही है और हमारा घर भी करीब आ गया है, तो इसलिए जल्दी इस व्लॉग को भी ख़त्म करेंगे हम। तो फिर क्रॉस मारना पड़ेगा, कुछ आ नहीं रहा सवा एक साइकिल वाले के। साइकिल वाले ने बचा दिया वजन। डबनी एक और बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट, काउज लेन स्ट्रीट। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं खूबसूरत, ऑफकोर्स हमारे लिए नहीं है, गोरों के लिए, लेकिन खूबसूरत जगह है वॉक के लिए भी। यहाँ से ऊपर चढ़ते ही बिल्कुल डेम स्ट्रीट की मशहूर तरीन सड़क, बहुत सारे सियाती मुकाम मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो बिल्कुल क्राइस्ट चर्च जहाँ से हम अभी होके आए हैं, और इस तरफ देखें ये रोड सीधी जा रही है ट्रिनिटी कॉलेज की तरफ। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। मज़ीद वीलॉग्स के लिए जुड़े रहिए फिजान वीलॉग्स, लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू।